नमस्कार छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है कि बैलेंस शीट कैसे कैसे तैयार करते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए कॉपी यहाँ से टेढ़ा क्यों करते हैं इसको? नहीं आ रहे तो ऐसे है। हाँ जी ठीक है। तो ये 11th के छात्रों के लिए है जी। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। तो बैलेंस शीट हेडलाइन लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ, और यदि किसी व्यापारी का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे हम, डेट दिया हुआ है तो एज ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में जो है कैपिटल होता है एंड लायबिलिटी होता है, और राइट साइड में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होता है, अमाउंट रुपीज में, अमाउंट रुपीज में। तो लेफ्ट साइड में जो है ना क्या सब लिखते हैं वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल, आपने जो पूंजी लगाई हुई है। अब यदि प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो इसको हम ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी ऐड करेंगे हम, और यदि नेट लॉस, बिजनेस में हानि हुआ है तो उसको लेस करेंगे हम नेट लॉस। यदि आपने ड्रॉइंग किया है तो उसको हम लेस करते हैं। LIC का यदि आपने पेमेंट किया है तो भी लेस करते हैं। यदि इनकम टैक्स पेड हुआ है तो भी उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और जो कुछ भी आएगा देखा जाएगा कंडीशन के हिसाब से, जिसके माध्यम से आपकी पूंजी घट रही है तो लेस करेंगे, बढ़ रही हो तो ऐड करेंगे हम। फिर ये प्लस माइनस करने के बाद इसको हम बाहर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लायबिलिटी होता है ना, क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल एक ही चीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो ये सब जो है ना लेफ्ट साइड में आता है। इसके अलावा लोन फ्रॉम, यदि आपने किसी और से लोन लिया है या फिर वाइफ लोन दिया हुआ है, इन टाइप्स ऑफ लोन, ये लेफ्ट साइड में आता है। और राइट साइड में जो है ना आपने पढ़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का काम हम हमेशा दो बार करते हैं, यदि तलपट के नीचे दिया हुआ है तो एक बार जो है ना ट्रेडिंग या PL में, सेकेंड बार जो है बैलेंस शीट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कैश या बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और भी यदि किसी तरह का एसेट्स है ना, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, उसको हम बैलेंस शीट्स के एसेट्स वाले भाग में लिखते हैं अदर एसेट्स। तो यहाँ पर डेटर्स भी आता है, एक्यूड इनकम, जो कुछ भी होगा, ट्रेड रिसीवेबल या फिर इसका दूसरा नाम है बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल और भी जो कोई एसेट्स रहेगा सबको हम एसेट्स वाले भाग में लिखेंगे। और बैलेंस शीट में आपको ध्यान देना है टू या बाय का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये एक बैलेंस शीट है, कोई अकाउंट नहीं है। और इसको लास्ट में जोड़ते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, बैलेंस होता है। यदि बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। ठीक है, ये था हमारा बैलेंस शीट में क्या सब आता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम अगले वीडियो में क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं।